हिटर्स फॉर साफ एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी में अबाउट द समरी ऑफ लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। सो लास्ट लीफ एक शॉर्ट स्टोरी का नाम है जिनका राइटर है ओ हेनरी। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है। मैं आगे जब समारी पढ़ूंगी तब आपको ये यकीन हो जाएगा ये एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड इनका थीम है सुपरस्टिशन देन फेट देन हम कह सकते हैं आर्ट। आर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी दैट इज कॉल्ड द लास्ट लीफ। तो चलिए समारी शुरू करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानना जरूरी है अबाउट द लास्ट लीफ, वो क्या है देख लेते हैं। सो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इस शॉर्ट स्टोरी मतलब द लास्ट लीफ शॉर्ट स्टोरी का राइटर जो है ओ हेनरी, उनका फुल नेम है विलियम सिडनी पोर्टर। एंड शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुआ था 1907 में इन अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी दैट इज कॉल्ड द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरी। सो इस शॉर्ट स्टोरी का मेन प्लॉट घूमती है जॉन्सी नाम के एक यंग आर्टिस्ट के इर्द गिर्द। एक्चुअली जॉन्सी जो है एक यंग आर्टिस्ट है एंड जॉन्सी को सडनली निमोनिया हो जाते हैं। एक्चुअली न्यूयॉर्क सिटी में निमोनिया एपिडेमिक सबको हीट कर देते हैं एंड बहुत सारे लोग निमोनिया से इफेक्टेड हो जाते हैं। तो जॉन्सी का एक सुपरस्टिशन था, उसकी नेबरहुड एक वॉल पे एक वाइन था, उसका लास्ट लीफ जब गिरेगा मतलब उस ट्री का लास्ट लीफ जब गिरेगा तब जॉन्सी सोचते हैं उसी दिन जिस दिन वो लास्ट लीफ गिरेगा उस दिन जो है जॉन्सी भी मर जाएगा। लेकिन जॉन्सी की इस सुपरस्टिशन को हटाने के लिए और हम कह सकते हैं जॉन्सी की जो मेंटल विल है मनोबल है उसे बरकरार रखने के लिए जॉन्सी के अपार्टमेंट पे एक ओल्ड पेंटर रहता था जिसका नाम है बेमन। सो बेमन क्या करता है, सू बेमन को बोलते हैं कि जॉन्सी के ये सब सुपरस्टिशन है। तो बेमन एक बहुत ही खूबसूरत एक रियलिस्टिक पेंटिंग बनाते हैं क्लीफ का एंड फिर उसे उस वाइन की ब्रांचेस पे एक लीफ लगा देते हैं। तो सारे लीफ तो झड़ गए उस ट्री की। फिर जॉन्सी सोचता रहा कि ये लीफ कैसे रहेगा इस ट्री पे क्योंकि सारे लीव्स तो विंड की वजह से झड़ चुके हैं। फिर सू के द्वारा जॉन्सी को पता चलता है कि ये लास्ट लीफ एक आर्टिस्टिक क्रिएशन है बाय बेमन। सो अभी हमें जानना पड़ेगा अबाउट द कैरेक्टर लिस्ट ऑफ द लास्ट लीफ। तो चलिए देख लेते हैं द कैरेक्टर लिस्ट। सो इस शॉर्ट स्टोरी पे इतने ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, सिर्फ 3-4 कैरेक्टर्स है। फर्स्ट कैरेक्टर है जॉन्सी जिनका रियल नाम है जोआना। सो शी इज़ द मेन प्रोटागोनिस्ट हम बोल सकते हैं। तो जॉन्सी कौन है, न्यूयॉर्क के एक आर्टिस्ट है एंड जिसे कि निमोनिया हो गया है। सो बिकॉज ऑफ द सिकनेस एंड पेन ऑफ द निमोनिया जॉन्सी जो है फैटलिस्टिक हो जाते हैं, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं एंड वो ये भी लिख करते हैं सुपरस्टिशन उसके दिल में बैठ जाते हैं कि जॉन्सी मर जाएगी जब उस आईवी वाइन की मतलब एक ट्री की जब लास्ट लीफ गिरेगा और उस ट्री को और उनके लीव्स को जॉन्सी अपनी विंडो से रोज ऑब्जर्व करता था। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है सू। तो सू अनदर प्रोटागोनिस्ट है जो है जॉन्सी की रूममेट एंड वो भी एक आर्टिस्ट है एंड सू अच्छे से जॉन्सी को टेक केयर करते हैं ड्यूरिंग जॉन्सीज इलनेस। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है बेमन। सो बेमन जो है एक ओल्ड पेंटर है जिनका एज है 60 अप एंड वो रहते हैं जिस अपार्टमेंट में जॉन्सी और सू रहता है उसी अपार्टमेंट की बेसमेंट पे। बेमन जो है वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट नहीं था तो वो ना फील करता था कि ये दो गर्ल का सेफ्टी जो उस बिल्डिंग में रहता था मतलब सू एंड जॉन्सी उनकी सेफ्टी बेमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा जो भी हो, फिर सू जब बताते हैं बेमन को कि जॉन्सी की एक सुपरस्टिशन है कि वो सोचते हैं जब लास्ट लीफ गिरेगा तभी जॉन्सी भी मर जाएगी, तो इन ऑर्डर टू सेव जॉन्सीज लाइफ बेमन क्या करते हैं एक लीफ रियलिस्टिक लीफ पेंट करता है एंड उस लीफ को उस ट्री की उस वाइन के पत्ते पे लगा देते हैं। एंड जॉन्सी सोचते हैं अपनी विंडो से देख के कि वो जो आर्टिफिशियल लीफ है मतलब जो रियलिस्टिक लीफ की तरह देखते हैं वो ही लास्ट लीफ है। सो ये सब करते हुए मतलब लीफ लगाते हुए बेमन को निमोनिया हो जाते हैं एंड वो मर भी जाते हैं 2 दिन के बाद। सो इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है द डॉक्टर। सो द डॉक्टर जो है जॉन्सी की तबीयत देखने के लिए उस अपार्टमेंट पे आते हैं। ठीक है,
सो या फ्रेंड्स, दीज आर द कैरेक्टर लिस्ट ऑफ द लास्ट लीफ। सो अभी हम जो जानेंगे वो है डायरेक्ट समारी। ओके, थीम तो मैंने पहले ही बताया था कि थीम ऑफ आर्ट, थीम ऑफ सुपरस्टिशन, थीम ऑफ फेट, ये सारे जो थीम है वो डोमिनेट करता है इस शॉर्ट स्टोरी को। सो अगर हम समारी को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इन सारी थीम, मतलब थीम ऑफ आर्ट, थीम ऑफ सुपरस्टिशन, थीम ऑफ क्या बोलते हैं, थीम ऑफ फेट, ये सारी थीम्स कैसे डोमिनेट करता है ऑफ द प्लॉट ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। सो नाउ लेट्स चेक आउट द समारी। सो द लास्ट लीफ शॉर्ट स्टोरी को नैरेट किया गया है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, एंड ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो ओपन होती है एक डिस्क्रिप्शन के साथ ऑफ द मैनहट्टन नेबरहुड ऑफ ग्रीनविच विलेज। सो ग्रीनविच विलेज एक्चुअली मैनहट्टन पे है एंड न्यूयॉर्क सिटी का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सो जो ग्रीनविच विलेज है वो अ काइंड ऑफ कल्चरल हब है बिकॉज वो एसोसिएटेड होता है विथ राइटर्स, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस, ठीक है। सो उस ग्रीनविच विलेज पे ही आर्टिस्ट लोग जो है वो लो कॉस्ट अपार्टमेंट ढूंढते हैं, एंड जॉन्सी जो है वो कैलिफोर्निया से ग्रीनविच विलेज पे आया है, एंड सू जो है वो मेन से ग्रीनविच विलेज में आया है। एंड जॉन्सी एंड सू क्या करते हैं, एक रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। वो रेस्टोरेंट सिचुएटेड होता है 8th Street पे। सो सू एंड जॉन्सी बातचीत करते हुए ये देखते हैं कि सू एंड जॉन्सी का ऑलमोस्ट सेम टेस्ट है इन आर्ट, फूड एंड फैशन। सो इसीलिए मई के महीने पे वो लोग ग्रीनविच विलेज पे एक स्टूडियो अपार्टमेंट पे रहना शुरू कर देते हैं। सो नवंबर पे क्या हुआ है, एक निमोनिया की पेंडेमिक न्यूयॉर्क सिटी पे हिट करता है। सो मैनहट्टन जो सिटी है उसका ईस्ट साइड पे इस निमोनिया की इन्फेक्शन जो है वो एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मार देते हैं, और इस साइट के मुताबिक वेस्ट साइट पे मतलब ग्रीनविच विलेज पे थोड़ा सा स्लो चलता है ये इन्फेक्शन। एंड जॉन्सी जो है वो कैलिफोर्निया से बिलोंग करता है जहाँ पे वार्म वेदर होता है, तो जॉन्सी इस वेदर पे आके इल हो जाते हैं एंड उससे निमोनिया हो जाते हैं। फिर जब एक डॉक्टर विजिट करने आते हैं जॉन्सी को, फिर वो डॉक्टर सू को बताते हैं कि जॉन्सी का जो सर्वाइवल चांस है, मतलब बचने की चांस है, वो 1 in 10 है, मतलब सिर्फ 1% है, बिकॉज जॉन्सी जो है वो खुद ही जीना नहीं चाहते। शी हैज़ लॉस्ट द विल टू लिव, शी हैज़ लॉस्ट द इंटरेस्ट टू लिव, ठीक है। तो जॉन्सी के रूम पे सू जो है वो एक इलास्ट्रेशन का काम कर रहा था एक मैगजीन के लिए। फिर सू सडनली जॉन्सी को सुनते हैं कि जॉन्सी चुपचाप करके मतलब धीरे धीरे एक बहुत ही पुराने एक ट्री का लीफ जो है वो काउंट कर रहा है, जो लीफ है एक नेबरिंग बिल्डिंग की ब्रिक वॉल के पास, ठीक है। सो जॉन्सी जो है वो सू को बताते हैं कि अभी सिर्फ 6 लीफ ही बचे हैं, एंड जॉन्सी सोचते हैं कि जॉन्सी मर जाएगी जब लास्ट लीफ गिर जाएगा। इसीलिए जॉन्सी उस लास्ट लीफ के गिरने को, मतलब लास्ट लीफ जो जब गिरेगा उस ट्री से, वो देखना चाहते हैं। सू जो है जॉन्सी को बोलते हैं कि ये सब नॉनसेंस बातें मत करो एंड सो जाओ। फिर एंड सू फिर नीचे जाते हैं बेमन के पास। तो बेमन के बारे में मैंने पहले बताया होता कैरेक्टर एनालिसिस पे कि बेमन जो है एक पेंटर है, वो ऑलमोस्ट 60 years old है, एंड उन्होंने कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं पेंटिंग पे, बिकॉज वो सोचता था कि वो एक मास्टरपीस बनाएगा, लेकिन उस मास्टरपीस को, उस आर्ट को वो अभी तक शुरू ही नहीं किया था। एंड इसीलिए बेमन क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। सो सू बेमन को बताते हैं जॉन्सी की सुपरस्टिशन के बारे में, एंड बेमन जो है वो बहुत ही दुखी होता है इस फुलिशनेस के लिए। सो देन जब जॉन्सी सो रहा होता है, सू जाके जो विंडो शेड है उसे नीचे कर देते हैं, एंड उसके बाद एक अलग रूम पे सू एंड बेमन बहुत ही अनहैप्पीली रेन को और स्नो को और जो बहुत ही ज़्यादा विंड ब्लो हो रहा था, विंड को देख रहा था, एंड वो लोग सोच रहा था कि वो जो लास्ट लीव है, आईवी लीव है, वो जल्द ही गिर जाएगा। फिर बेमन एक रियलिस्टिक एक लीव बनाते हैं, एंड उसी स्ट्रॉमी नाइट पे, मतलब वो जिस नाइट पे रेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्नो स्ट्रॉम हो रहा था और बहुत ज़्यादा विंड फ्लो हो रहा था, उसी नाइट पे उस आईवी ट्री पे वो जो लीफ है वो टांग देते हैं। सो उस रात के बाद जब सुबह होते हैं तो जॉन्सी सू को बोलते हैं कि जो विंडो है विंडो शेड को उठा दो। सो जब सू विंडो शेड को ऊपर कर देते हैं तो
जॉन्सी जो है शॉक्ड रह जाता है कि इतनी विंड के बाद, इतनी स्नोफॉल रेन के बाद भी वो एक लीफ कैसे उस पेड़ पे अटैच्ड है। सो जॉन्सी बोलते हैं कि इसे तो रात रात में ही गिर जाना चाहिए था। सो जॉन्सी जो है कुछ देर के लिए उस लीफ को देखते हैं एंड फिर जॉन्सी सू को बोलते हैं कि जॉन्सी को लगता है कि वो लास्ट लीफ गिरा नहीं है क्योंकि वो लास्ट लीफ के थ्रू गॉड या फिर वो लास्ट लीफ ही जॉन्सी को बोलना चाहते हैं कि जो मरने का जो विश है वो एक एक्चुअली सीन है। सो जॉन्सी अभी उस लास्ट लीफ को ना गिरा हुआ देख के उसको अभी मरने का कोई इच्छा नहीं था। फिर डॉक्टर जो है जॉन्सी को विजिट करते हैं एंड जॉन्सी की इम्प्रूवमेंट देख के डॉक्टर बोलते हैं अभी 50-50 चांस है जॉन्सी का बचने का, ठीक है। फिर डॉक्टर सू को बोलते हैं कि अभी उन्हें जॉन्सी के बाद बेमन को विजिट करना पड़ेगा क्योंकि बेमन जो है वो क्रिटिकल स्टेट में है, उन्हें भी निमोनिया हो गया है एंड बेमन को भी हॉस्पिटल लेके जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट डे डॉक्टर आके बताते हैं कि जॉन्सी अभी खतरे से बाहर है लेकिन बेमन जो है वो बहुत ही ज़्यादा निमोनिया कैप्चर करने की वजह से वो मर गए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एक चीज़ जो है वो सुपरस्टिशन का जो थीम है ना वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं क्योंकि जॉन्सी का सुपरस्टिशन था कि वो लास्ट लीफ गिरने के साथ साथ मर जाएगा लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, लास्ट लीफ गिरने के बाद बेमन मर गया क्योंकि वो एक रियलिस्टिक आर्टिफिशियल लास्ट लीफ जो कि बेमन का क्रिएशन है वो लगाया था जॉन्सी को बचाने के लिए। सो यही हम कह सकते हैं यहाँ पे सुपरस्टिशन जो है वो जस्टिफाई भी हो जाता है हम कह सकते हैं। फिर आफ्टरनून पे सू जॉन्सी को बोलते हैं कि जो बेमन है वो मर गए एंड सू जॉन्सी को बोल रहा था कि तुम सोच रहे थे ना कि वो लास्ट लीव मूव भी नहीं हो रहा था और गिर भी नहीं रहा था क्योंकि बेमन जो है लास्ट लीफ को पेंट कर दिया था उसी नाइट पे पेंट कर दिया था जब एक्चुअल लास्ट लीव उस ट्री से गिर गया था लेकिन बेमन को इस प्रोसेस के दौरान निमोनिया हो गया था एंड इसलिए वो मर गए। फिर सू जॉन्सी को बोलते हैं कि बेमन का जो ग्रेटेस्ट मास्टरपीस बनाने का सपना था वो एक्चुअली में यही है, मतलब बेमन जो रियलिस्टिक जो लीफ पेंट किया था वही एक्चुअली बेमन की ग्रेटेस्ट मास्टरपीस है। सो फ्रेंड्स अभी चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री दैट द थीम ऑफ सुपरस्टिशन डोमिनेट्स द एंटायर स्टोरी ऑफ द लास्ट लीव, आर्ग्यू योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर्ट इज पोर्ट्रेट इन द लास्ट लीव। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है, हाउ बेमन्स फेलियर पोर्ट्रेट्स द कंडीशन ऑफ एन आर्टिस्ट इन द न्यूयॉर्क सिटी। So yeah friends, that's it for today. Thank you so very much for watching this video and I think that this video will prove very helpful to you all. And if it is, then please give it a like, share this video to all of your friends who are dealing with English literature, especially who are dealing with the last leaf. So I'll see you in the next session. Till then, bye-bye.